अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के मेडिकल सेंटर की जानिब से चंद रोज पहले शाया की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि नेपा वायरस ने सिर्फ भारत बल्कि कई एशियाई ममालिक में फैल गया है और इस वायरस से हलाकतों की तादाद 100 से तजावज कर गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का मेडिकल सेंटर की रिपोर्ट में बताया गया है कि नेपा वायरस की वबा भारत और कई दिगर एशियाई ममालिक में फैल चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 300 केसेस के दरमियान कल मरने वालों की तादाद 100 से ज्यादा हो चुकी है। हिंदुस्तान की रियासत केरला में कुछ स्कूलों और दफातर को बंद करने पर मजबूर किया गया क्योंकि मकामी हकाम ने इस मोहलक पैथोजन के फैलाव को कम करने या रोकने के लिए पाबंदियां आयद की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सालों में नेपा से मुतल्लिका वबा फैली है। इसका एक मौजूदा मरकज भारत की जनूबी रियासत केरला में है जहाँ 6 अफराद चमगादड़ से फैलने वाले नेपा वायरस से मुतासिर है। अगस्त के आखिर में इस पैथोजन के सामने आने के बाद इनमें से 2 अफराद मर चुके हैं। हिंदुस्तान और इसके पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के साथ साथ मलेशिया और सिंगापुर जैसे जनूब मशरकी एशिया के ममालिक में भी नेपा वायरस के फैलने की इत्तलाआत मौसूल हुई हैं। माहरीन ने इस वबा के मजीद फैलने से पहले नेपा वायरस के खात्मा के लिए एक वैक्सीन की जल्द अज जल्द तैयारी पर जोर दिया है। नेपा वायरस जानवरों से इंसानों और फिर इंसानों से इंसानों में तेजी से फैलता है और इसकी वैक्सीन ताहाल दस्तयाब नहीं है। इस वायरस के इंसानी जिस्म में पहुंचने के बाद एक्टिविटी शुरू हो जाए तो मर्ज की इब्तदाई इलामात में तेज बुखार, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, कोमा में दीगर इलामात शामिल हैं।